नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि शाला दर्शन पर अभी रिजल्ट जो अपना पहले आपने SMF तो भर दिया है, सेकंड जो SMF है अपना, लेकिन शाला दर्शन पर अभी रिजल्ट 8वीं का जो अपडेट करना है वो अपन देखेंगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। मैं इतना छोटा सा ट्यूटोरियल जारी करने को भी तैयार नहीं था, लेकिन कुछ साथियों के अभी फ़ोन भी आया और उन्होंने बोला कि नहीं एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, तो मैं आपके सामने ये जारी कर रहा हूँ। तो आइए अपन देखते हैं शाला दर्शन में। आप सबसे पहले ऊपर अपने गूगल ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें शाला दर्शन टाइप करने के बाद में लॉगिन बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना, ओपन योर होम पेज एंड सेलेक्ट या डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज स्कूल सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन पासवर्ड जो आपकी स्कूल का शाला दर्शन का पासवर्ड है वो डालने के बाद में यहाँ पर कैप्चा फिलअप करने के बाद में इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुलेगा, जिसमें स्कूल टीचर्स स्टूडेंट TF यानी कि टीचर एक्सेस फॉर्म जो आपने पहले भरा है, यहाँ पर क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स QMT, उसमें एंट्रीज में जाएंगे, स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र का पहले जो भरा है आपने वो पार्ट आपके सामने खुल जाएगा। ये खुलने के बाद में आप यहाँ पर जो अपने पार्ट 5 है, एक पार्ट 5 पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास 8 का यहाँ पर ब्लैंक बताएगा जो रिजल्ट आपको फिल करना है। 1 से 5 यहाँ पर CC का आपने फिट कर दिया है, लेकिन ये यहाँ पर ये CC पैटर्न को 1 से 5 में 4.1 में भरना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और 6 से 8 नॉन CC में यहाँ पर आपको फीडिंग करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन कक्षा 1 से 8 तक केवल नॉन CC विद्यालयों के लिए। तो यहाँ पर एक तो आप फीडिंग करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट का नाम ABC, यहाँ पर एक बात आपने देखी है कि यहाँ पर A+ में अगर कोई बच्चा आपका है तो यहाँ पर A+ नहीं दिया हुआ है, ABC D और E ये ग्रेडिंग दी हुई है। A+ में अगर बच्चे हैं आपके जिसके A+ ग्रेड आई है तो उसके लिए आपको भाग 6 में जाना होगा। तो यहाँ पर आप विषयवार सब्जेक्टवार उसकी ग्रेडिंग करेंगे, एक तो इसमें करनी है, ये भाग 5 है, और उसके बाद में यहाँ पर फीडिंग करने के बाद में आप भाग 6 पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। पार्ट 6 पर क्लिक करते ही 3.5 8वीं परीक्षा वैकल्पिक बोर्ड में भाग लिए गए बच्चों की जानकारी यहाँ पर आपको सबमिट करनी है। यहाँ पर आपकी क्लास के जो मूल्यांकन में जो प्रविष्ट हुए बच्चे उनकी संख्या टोटल डाली जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर ये ग्रेडिंग्स में A+ यहाँ पर दिया हुआ है जो यहाँ पर अपन को फिल करना है। बाकी ABC D में जो बच्चे हैं वो जिसे पहले डाले हैं उसमें भाग पार्ट 5 में जो डाले हैं वही बच्चे यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर केवल ए ग्रेड में जो बच्चे हैं शिफ्ट हो जाएंगे, और बाकी के जो डाटाज हैं वो भाग 6 में डाले हुए वो यहाँ पर अपन इसको फिलअप कर देंगे। इस तरीके से समस्त विषयों का 6 सब्जेक्ट का इसमें 8वीं का रिजल्ट अपलोड होना है। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो यहाँ पर ये नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस पर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ट्यूटोरियल।